सबसे छोटा भाई सफेद वाला है। अच्छा। और सबसे छोटा गोल वाला। अच्छा। तीन भाई है। माफ करना रघुपत जी, हाँ जी। औरतें ना होती ना, हाँ। तो भूखों मर जाते हैं। कैसे? चक्की चलाते चलाते। माफ करिएगा, हम वो मर्द नहीं है तो चक्की चलाएंगे। हाँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में 440 बोर्ड कनेक्शन फैला हुआ, जगह जगह चक्की खुली हुई है। अच्छा। और जहाँ चक्की बिजली नहीं है, हाँ। वहाँ देसी कारोबार है। अच्छा। हैंडल लगाया, हाँ। हैंडल लगाया, पांचों गल्ला डाला, शुरू हो गई पुक पुक पुक। और जहाँ पुक पुकानी काम कर ले रहे कौन पुकानी? चक्की चक्की पिसाया पिसा के लौट दिया है, धोखेंगे पीटेंगे पेट भर लेंगे, मगर तुमको अपनी चक्की का खूंटा नहीं पकड़ाएंगे। आप बने रघुपत जी, भूखो मर जाओगे अगर उठते ना होंगे। कैसे? रोटी पकाते पकाते। रोटी क्यों पकाएंगे? क्यों? पूछो शर्मा जी से। क्या? अभी यादव होटल गए थे, माल फेंका, पेट भरा, मुझे बता दिया, रिक्शे पैसे चले आए, हम मर्द है। हाँ। तुम ड्राइवर है? अच्छा। मालूम है, लॉन्ग रूट के ड्राइवर है। अच्छा। ट्रेन से कलकत्ता था। हाँ। मालूम है क्या? और राजस्थान पहुँच जाए। अच्छा। जहाँ मर जाए आप नोट फेंका, पेट भर लेंगे। हाँ। पेट भरेंगे, मुझे बता देंगे, गेट डालेंगे, चल देंगे, मगर तुमको तुम्हारे चूल्हे में लकड़ी लगाने नहीं जाएंगे। माफ करना, औरत बेबी का रूप होती है। अरे देवी, अरे देवी होती, औरत होती महादेवी। आई एम महादेव बाबा। औरत होती काली भवानी, काल भैरव। औरत होती दुर्गा माता, भैरव बाबा। औरत होती संतोषी माता, संतोषी माता। मर्द होते संतोषा बाबा। औरत होती गौ माता। इसमें हंसने क्या बात है? ये गौ माता, औरत गौ माता। हाँ। मर्द क्या होते? सार देवता। सार देवता क्या वैल्यू? गौ माता क्या वैल्यू? बहुत वैल्यू। क्या वैल्यू? गौ माता पूजा होती है। अच्छा। और वो दूध देती है। तुम कितना देती है? आखिर कहने गौ माता दूध देती है। हाँ। गौ माता दूध देती है। हाँ। हमने आपकी बात मान ली, गौ माता दूध देती है, उससे दही बनता है, मक्खन बनता है, सारा हिंदुस्तान खाता है। लेकिन एक बात क्यों भूल रही गौ महारानी? क्या? अगर सार देवता गौ महारानी के दफ्तर में दस्तखत करने न जाए तो दूध दही कुछ नहीं होगा। गौ माता कोई वैल्यू नहीं आई, डोंट नो गौ माता। अरे बदतमीजी, हे गौमान, हमसे भिड़ना नहीं। कहाँ है? बता रहे तुमको, एक काम करो। क्या करे? तुम्हारी शादी हुई? अभी नहीं हुई। हम शादी करेंगे नहीं। करेंगे नहीं? शादी नहीं करोगी? कतई नहीं करेंगे। शादी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। गौना, जब शादी नहीं तो गौना कैसे होगा? आ यार, अभी बेवकूफ होगा। बेवकूफ तो आई हूँ। तो सुहागरात आर दोपहर भाई होगी। दोपहर क्या होता है? गाँव देहात में होती, पुलिस वाले पूछो, तमाम केस। अच्छा 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 लगा। कल फिर आना। एक बात सुनिए, आपने सुहागरात का नाम तो सुना होगा। किसका? इंसानों की और किसकी? ना तुमको बता, जानवर सुहागरात कैसे मनाते हैं? जानवर जानवर सुहागरात। हाँ, भैंसा भैंसी। भैंसा भैंसी कैसे मनाते? चैत बैसाख का महीना है, मई जून का, और भैंसी तालाब किधर बैठी है? अच्छा। बैठे बैठे क्या कर रही है? क्या कर रही? अचानक उसको अपने प्रेमी की याद आई, भैंसा महाराज की। अच्छा। तो क्या कह रही? क्या कह रही? ऐसा काम आवाज पड़ी। अच्छा। ऐसा समझ गया कि हमारी प्रेम का, हमारी महबूबा, हमारी डार्लिंग, हमारी प्रीतमा हमको बुला रही है। अच्छा। तो भैंसा क्या कर रहा? क्या कर रहा? दिशा का निरीक्षण कर रहा है कि भैंसी आएगी जल। अच्छा। तो भैंस क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हम तुमसे कहा कह रहे हैं? हंसो मत यार, तुम हंस रहे। हमारा मौसम बन रहा है। क्या बन रहा है तुम्हारा? तो मौसम बन रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, तापमान घट रहा है। हाँ, बहुत ठंडी पड़ रही है। अच्छा। तभी तो लोग भाग गया कानपुर। अच्छा। देखा।
Let's go!